मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार में अचानक से आग लग जाने से हड़कंप मचा। बताया गया कि उसमें सवार दो लोगों ने जैसे तैसे उतरकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद दमकल को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड ने आकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी सांसें अटका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर एक चलती गाड़ी में अचानक से आग लगी और उसमें सवार चार साधु अंदर ही फंस गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि चारों समय रहते गाड़ी से निकलने में कामयाब भाई बनता सारा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। यहां पर अलग अलग इलाकों में दो गाड़ियों में आग लगती है और कार पल में ही स्वाहा हो जाती है। कारों को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि जो लोग इनमें सवार थे वो समय रहते बाहर निकल आए। तो उज्जैन में देखिए गाड़ी में जो लोग सवार थे वो निकल गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गाड़ी में चार साधु सवार थे जब आग लगती है और वो भी समय रहते बाहर निकल आए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश में मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग बीच सड़क पर ही गिर गए। इस हादसे में उन तीनों को चोटें आई, जबकि उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। और सामने आई तस्वीर में दिखा कि वो ट्रैक्टर किनारे से अचानक बीच सड़क पर पहुंच गया, जिसे देखकर मोटरसाइकिल चला रहे उस आदमी को ब्रेक लगानी पड़ी। लेकिन ब्रेक लगते ही उस पर सवार एक महिला सबसे पहले जमीन पर गिर गई। उसके बाद वो आदमी और एक दूसरी महिला भी चार कदम की दूरी पर जाकर गिर गए। उन्हें जमीन पर गिरा देख ट्रैक्टर वाला भी रुक गया। इस हादसे के तुरंत बाद वो दोनों महिलाएं उठी और मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंची। तब तक आसपास के कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए दौड़े। बताया गया कि दोनों महिलाओं को तो ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन वो आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर हत्या के मामले में एक संदिग्ध ने फेसबुक पर अपना कबूलनामा पोस्ट किया है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस हत्या के मामले में पुलिस को हरमीत सिंह नाम के एक संदिग्ध के फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी मिली, जिसमें उसने 27 पॉइंट का कबूलनामा पोस्ट करके खुद को गुनहगार बताया। इस चिट्ठी में यह लिखा है कि हरप्रीत सिंह बेकसूर है, त्रिलोचन सिंह की हत्या का जिम्मेदार मैं हूं और अब मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें अंत में हरमीत सिंह ने जम्मू का अपना पता लिखा है और अंगूठी के दो निशान भी यहां पर लगाए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस कबूलनामे की सच्चाई की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे वाकई में हरमीत सिंह ने ही पोस्ट किया है या ये पुलिस को भटकाने की कोई चाल है। यूपी के भदोही से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। यह हादसा नेशनल हाईवे के एक टोल प्लाजा पर हुआ, जहां एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखा, तभी उसे सामने आ रहा वो ट्रक दिखाई दिया। उस ट्रक की रफ्तार देखकर उसे हादसे का अंदेशा हो गया और वो पीछे की ओर भागा। तब तक वो ट्रक टोल बूथ से टकरा गया। गनीमत यह रही कि वो कर्मचारी वहां से भाग चुका था, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन ट्रक के साथ उस टोल बूथ को काफी नुकसान पहुंचा। हाफ लेने आने के बाद स्थिति जब समझ में आई खतरनाक, तो मैं ऊपर निकल गया। इस हादसे के बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि बाद में वहां पहुंची पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया। यूपी सरकार के एक विज्ञापन पर सियासी घमासान छिड़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार के एक विज्ञापन पर सियासी घमासान छिड़ गया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के कामों को दिखाते हुए एक विज्ञापन छापा गया था, लेकिन बाद में दावा किया गया कि विज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिस सड़क की तस्वीर दिखाई गई, वो यूपी की नहीं पश्चिम बंगाल की है। इसके बाद तो विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का ही फीता काट रहे हैं, अपना काम कुछ नहीं किया, इससे भी पेट उनका नहीं भरा तो पश्चिम बंगाल के काम को भी अपना काम बताने में लगे। मामला बढ़ता देख कांग्रेस पे निशाना साधने में पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को दूसरे का काम अपने नाम पर करने की आदत पड़ गई है। मामला बढ़ता देख बीजेपी ने भी सफाई दी और विपक्ष पर बेवजह के मुद्दे को तूल देने का आरोप लगा दिया। हमें आज किसी दूसरे राज्य के विकास के कोई चित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास के चित्र आज देश दुनिया में छा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर 30 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल सुबह नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट पर प्रियंका टिब्रेवाल का मुकाबला ममता बनर्जी से होगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी इलाके में पुलिस ने छापा मारकर 2 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया।
जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 5 लोग बह गए। इस हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 4 लोगों के शवों को बरामद किया गया। बताया गया कि ये सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानू ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने यूएस ओपन में महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में कनाडा की लेला फर्नांडिस को 6-4 और 6-3 से हराया। इस जीत के साथ ही एमा राडुकानू 53 साल बाद खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बन गयी।